छोटी काशी के आराध्य देव बाबा भूतनाथ 11वें दिन ऋण मोचन महादेव स्वरूप में नजर आए। तारा रात्रि से इस क्रम में अब तक अलग अलग 11 रूपों में बाबा भूतनाथ का श्रृंगार किया जा चुका है और यह क्रम शिवरात्रि महोत्सव तक जारी रहेगा। मंदिर के पुजारी बाबा भूतनाथ की पिंडी पर लगाए मक्खन के ले पर बाबा के अनेकों रूपों को उकेरा जा रहा है। 11वें दिन भोलेनाथ का श्रृंगार ऋण मोचन महादेव के रूप में किया गया। 23 फरवरी तक रोजाना बाबा भूतनाथ मंदिर में मक्खन चढ़ाया जाएगा। हर रोज शिव के नए रूप में प्रतिमाएं बनाई जा रही है, यानी मक्खन पर रोजाना भगवान शिव के विभिन्न रूपों के दर्शन करवाए जा रहे हैं। वही सोमवार को मंदिर में सुबह 4 बजे महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन की तर्ज पर भस्मी आरती का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद मंदिर में 12 बजे के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। शिवरात्रि श्रृंगार महोत्सव के अंतर्गत भूतनाथ जी का ऋण मोचन महादेव के रूप में श्रृंगार किया गया है और इनका मंदिर काशी में विशेषगंज मोहल्ले में स्थित है। काशी शास्त्र मूल्य कहता है कि जो भी किसी व्यक्ति के ऊपर ऋण की समस्या हो, ऋण का कोई भी कर्ज हो, तो इनका दर्शन मोचन करने से ऋण से छुटकारा मिलता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो बाबा भूतनाथ जी को ऋण मोचन महादेव के रूप में सजाया गया है और जो कल रात में बाबा भूतनाथ जी का जो भस्मी तैयार हुई, अमरताज की लकड़ी, बेल की लकड़ी, पाव प्लास की लकड़ी, बेर की लकड़ी और गाय के कंडे से, उसके बाद दोपहर में छाना जाएगा और उससे भभूति तैयार की जाएगी और कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे बाबा भूतनाथ जी को महाकालेश्वर के रूप में सजा कर उनकी भव्य भस्मी आरती का आयोजन किया गया है और पूरे मंदिर परिसर को फूल माला और बिजली के साथ सजाया जा रहा है और कल दोपहर 12 बजे से भंडारे का आयोजन भी किया गया है। जनता से अनुरोध है कि इस जो महाकालेश्वर मंदिर के तर्ज पर जो कल बाबा भूतनाथ जी का जो भस्मी आरती और श्रृंगार होना है सुबह 4:30 बजे, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और आरती का और दर्शन का आनंद लें। और भूतनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ मंडी शहर के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मंदिर के पुजारी ने मंडी वासियों से भंडारे में भाग लेने का आह्वान किया है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट की चैनल मंडी।